सिंह की यात्रा पर सवाल उठाने और उन्मादी यात्रा बताने पर गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव निकाले तो ठीक, पीके यात्रा करे तो ठीक, उनकी यात्रा से किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, उनकी यात्रा तो धार्मिक है। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कहा, बांटेंगे तो कटेंगे। तेजस्वी जी यात्रा निकाले तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, प्रशांत किशोर निकाले तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। हम तो वो लोग वोट के लिए निकाले, मुसलमान जोड़ो, ये जोड़ो, वोट जोड़ो, हमारा तो धार्मिक है, भारत के सनातनी एक हों एक नहीं होंगे, बटोगे तो कटो के लिए। और गोपालगंज में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। भोरे थाने के 7 पुलिसकर्मी डेंगू की चपेट में आ गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी भोरे थाने के SI और सिपाही को डेंगू हुआ था, बावजूद इसके थाना परिसर में फॉगिंग नहीं की गई। जिले में अब तक 40 लोग डेंगू की चपेट में आने से बीमार पड़ गए। और त्यौहार को देखते हुए रेलवे ने बिहार के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। छठ और दिवाली में बिहार आने वाले लोगों की भारी संख्या को देखते हुए दिल्ली से पटना तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। छठ के मौके पर पटना आने वाले यात्रियों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। भारतीय रेलवे ने स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस इसलिए चलाने का फैसला किया क्योंकि दीपावली छठ में सभी ट्रेनों में सीट फुल होने की जानकारी सामने आई थी। और पूर्व मध्य रेलवे ने पटना जंक्शन पर यात्रियों के शौचालय पर ब्रेक लगा दिया है। पटना जंक्शन के आरक्षित टिकट काउंटर वाले फ्लोर पर यात्रियों की सुविधा को लेकर संचालित होने वाले शौचालय को बंद कर दिया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। ये अगर कोई मेंटेनेंस के लिए अगर कोई बंद हुआ होगा तो उसकी एक टाइमलाइन है, वो जल्दी शुरू हो जाएगा, इसको दिखवा लेते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। बाकी पटना जंक्शन पर आपको करबी गैया और एक नंबर प्लेटफॉर्म और जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं सर्कुलेटिंग एरिया में भी कई सारे पे एंड यूज टॉयलेट्स हैं, डिलक्स टॉयलेट्स हैं, नॉर्मल टॉयलेट्स हैं, वेटिंग रूम के साथ अटैच टॉयलेट्स हैं, तो उसमें एकाद हो सकता है मेंटेनेंस के लिए ऐसा बंद हो, संज्ञान में आया तो उसको दिखवा दे। बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने पान दुकानदार को गोली मार दी। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के गंगती गांव के पास की है। परिजनों ने बताया कि बाइक सवार 3 अपराधियों ने छोटू कुमार को गोली मारी और फरार हो गए। घायल युवक का निजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। पूरे मामले में मीनापुर थाना प्रभारी संतोष राजक ने बताया कि पेट्रोल उधार नहीं देने की वजह से अपराधियों ने गोली मारी है। फिलहाल आसपास लगे CCTV फुटेज की मदद से छानबीन की जा रही है। और समस्तीपुर के पटौरी थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा मेला देखकर लौट रहे 2 युवक पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायलों की पहचान आर्या गांव के विकास कुमार और गजेंद्र कुमार के रूप में की गई। बदमाशों के हमले से घायल दोनों युवकों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने दोनों का प्राथमिक इलाज करके घायलों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मेला देख के आ रहे थे तो अचानक बस वो सब किसी से झगड़ा किया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। जब इसको देखा तो बोला क्या जो तुम्हारे ग्रुप का बंदा है, तो कुछ समझाने के कारण उस पर सब कम से कम 15-16 लड़का से मार बैठा, और फाइटर से और CC के बोतल से ये सब से इसको मारा। और खगड़िया के पसराहा में 15 साल के किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पसराहा गांव के सुचित कुमार के रूप में हुई। उसकी हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था। परिवार वालों की माने तो सुचित को उसके दोस्त राम नवमी देखने ले गए थे, जिसके बाद वो लापता हो गया। परिवार ने थाने को सूचना दी। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई। आवेदन देने, FIR दर्ज करने या गुमशुदगी रिपोर्ट, लेकिन वो कुछ नहीं किए, ठीक है, वापस कर दिए, ठीक है। फिर 2 दिन के बाद फिर वहाँ गए तो फिर वही कह रहा है कि किसी का नाम दीजिए तभी रिपोर्ट दर्ज होगा, ठीक है। जब कल शाम में रिपोर्ट FIR नाम दिया गया, दर्ज किया गया, और आज जब हम लोग को बुलाया गया शिनाख्त के लिए। अच्छा, घर से वो कब निकला था? रविवार को रात में 9 बजे। क्या कह के निकला था, कुछ जानकारी है? वही रामनवमी में जो है कि रामायण देखने जा रहे हैं।
और गोपालगंज में लैंड सर्वे से पहले कागजात के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोग घायल हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के तिरविरवा गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों का आरोप है कि पड़ोस के लोगों से जमीन के कागजात को लेकर विवाद हुआ। सर्वे कराने के लिए कागजात मांगने पर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। वहीं पुलिस इस मामले में घायल के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। सर, ऐसा हुआ था कि हमारे बड़े भाई हैं, उनसे हमने ओरिजिनल कागज मांगने के लिए गए तो उनका बेटा को बुलाया। बेटा ने बोला कि हमारे पास नहीं है ओरिजिनल, हम वकील साहब के पास रख दिए हैं। हमने बोले कि ओरिजिनल ऐसा कोई डॉक्यूमेंट कोई रखता नहीं, तुम हमको उसका फोटोकॉपी ही दे दो। उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब आए मोटरसाइकिल से और उतरे और बोले कि आके हमसे बाज गए तो उसके बाद उनका बेटा ने हमारे ऊपर लाठी उठा करके सर पे मार दिया। हम लोग और बात देश विदेश की करते हैं। गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। विसर्जन जुलूस के रूट पर बवाल हुआ है। मतगाड़ी में पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। सड़क पर भीड़ ने आगजनी की, जवाब में पुलिस का लाठी चार्ज हुआ है। मतगाड़ी गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। पुलिस ने फायरिंग से इनकार कर दिया है। SP अभियान राहुल देव बड़ाइच घायल हो गए हैं। जो भंडरिया BDO अमित कुमार थे वो भी घायल बताए जा रहे हैं। रंका अनुमंडल के LRDC प्रवेश कुमार कुशवाहा भी पथराव में घायल हुए हैं। भीड़ को समझाने में पुलिस जुटी हुई है। अब तक प्रथमा विसर्जन नहीं हुआ है। विसर्जन के रूट को लेकर ये पूरा विवाद है, जिसके बाद आसपास के कई गांव के लोग मतगाड़ी पहुंचे और फिर पुलिस पर दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी बीच हालात बेकाबू हो गए और भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और पुलिस को खदेड़ना शुरू कर दिया और सड़क पर तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। बाद में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज किया। भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के छोटे गोले भी छोड़े गए। फिलहाल गांव में धारा 144 लागू है और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। माँ का रखा हुआ है। आप लोग अपने अपने एरिया में सब लोग विसर्जन कर रहे हैं, तो गोदरमाना और कहाँ का रंका गढ़वा से यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? कोई नहीं, हम क्या जानते हैं ऐसा कौन सा श्रद्धालु है? और भी जगह विसर्जन हुआ है रंका में तो नहीं आया? चैलेंज कर रहे हैं तो फिर हम लोग भी दिखाते हैं। उनका आप लोग जो चाहिएगा सो कर लीजिएगा सर, उसमें हम कोई दूंगा किसी को हम निकालने भी। बात अब मिडिल ईस्ट में युद्ध की करेंगे। इजराइल का लेबनान पर लगातार हमला जारी है। हर घंटे इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल के हमले से दक्षिणी लेबनान में तबाही ही तबाही देखी जा रही। कई इलाके पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पहुंचा हूं शरहबील में। अभी अभी इसराइल की तरफ से एक बम्बार्डमेंट की गई है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंदर हूं मैं। ये किचन है इस घर का और आप देख सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे। बिल्कुल अभी सिर्फ यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और अभी भी ऊपर से देखिए ये क्या हाल है। और ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पे। सिर्फ न्यूज़ 18 की टीम अभी यहाँ पे पहुँची है। थोड़ी देर पहले ये यहाँ पे बम्बार्डमेंट की है इसराइली फोर्सेस ने और हिजबुल्ला लगातार टारगेट कर रहा है इसराइल पर। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के हालात हैं। सब ये जो स्लैब्स हैं ये देखिए ये बिल्कुल लटक रही हैं और यहाँ पे ऐसा लगता है कि कभी भी ये मकान पूरा ढह सकता है। लेकिन इसको कहते हैं कि अपनी लाइफ की रिस्क लेके भी यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ अंदर, ताकि रियल ग्राउंड ज़ीरो सिचुएशन में आपको दिखा सकूँ। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ढह गया है और ये हालात हैं यहाँ पे। ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग अभी कोलैप्स हो जाएगी और यहाँ पे सारा ये जो इर्द गिर्द का हाल है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। ये है रियल ग्राउंड ज़ीरो की पिक्चर। अभी अभी यहाँ पे ये अटैक हुआ है थोड़ी देर पहले। तो ये किचन है और किचन के अंदर हम गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मुझे दिखाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिसाइल्स रॉकेट्स जो दागे जाते हैं। ये बेडरूम है यहाँ पे
और बेडरूम की हालत आप देख सकते हैं कि इस बेडरूम में क्या कुछ हुआ है। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ ये दूसरा बेडरूम है और ऊपर से ये देख सकते हैं आप, ये सब कुछ बिखर गया है, यहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ। ये लगातार ये बॉम्बार्डमेंट हो रही है और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हालात हुए हैं यहाँ पे। लेकिन हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी लगातार इसराइल पे अटैक किए जा रहे हैं और हिज़्बुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो अपने अटैक्स इसराइल पर नहीं रोकेगा, इसराइल पर उनके अटैक्स जो हैं वो जारी रहेंगे। और अब मिडिल ईस्ट से सीधा मुंबई चलते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के सदस्य बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। गैंग के एक सदस्य ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, जो भी सलमान खान या दाऊद इब्राहिम गैंग की मदद करेगा वह इसके लिए तैयार रहे। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी पर 3 शूटरों द्वारा हमला किया गया था। तीनों शूटरों ने 6 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें एक गोली सिद्दीकी के सीने में जा लगी। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी जान बच न सकी। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बहुत बड़ी खबर मिल रही है। गुरमेल को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दूसरे आरोपी ने खुद के नाबालिग होने का दावा किया है। दूसरे आरोपी की उम्र के सर्टिफिकेट की जांच होगी। हत्याकांड के तीसरे और चौथे आरोपी की भी पहचान हुई है। चौथे आरोपी का नाम मोहम्मद जीशान अख्तर है। जीशान अख्तर की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद न सिर्फ मुंबई बल्कि बिहार में भी शोक की लहर है। बिहार के गोपालगंज में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। शेख टोली में उनके पैतृक गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। बाबा सिद्दीकी का बिहार और गोपालगंज से खास लगाव था। वे लालू प्रसाद के काफी करीबी थे और गोपालगंज समेत 40 जगह पर उनकी ओर से फ्री एजुकेशन सेंटर चलाए जा रहे थे। अब बॉलीवुड की खबरों का रुख करेंगे। बाबा सिद्दीकी हत्या के बाद से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांद्रा में उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षाकर्मियों की तादाद बढ़ा दी गई। सलमान के परिवार ने उनके इंडस्ट्री में मौजूद कई दोस्तों और करीबियों से अपील की है कि वो उनसे मिलने ना आए। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने भी सलमान खान को घर पर रहने की सलाह दी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। इसी को देखते हुए सलमान खान की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। और अब बात बाजार की करते हैं। सितंबर में भारतीय शेयर बाजार में 57,724 करोड़ रुपए डालने वाले विदेशी निवेशकों का मूड अचानक बदल गया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने यू टर्न लेते हुए परिणाम है कि अक्टूबर में एफपीआई भारतीय शेयरों में 58,711 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। बाजार जानकारों का कहना है कि इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष, कच्चे तेल की कीमतों की वजह से यह फैसला लिया गया। बात खेल की खबरों की। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय टीम को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना बेहद जरूरी है। ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, जबकि दूसरे नंबर की टीम के लिए लड़ाई भारत और न्यूजीलैंड में है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 34 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 7 मैच भारत जबकि 25 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।